नमस्कार, मैं डॉक्टर गायत्री, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज जो तृतीय वर्ष में हमारा प्रश्न पत्र चलता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध की, राष्ट्रीय शक्ति के तत्व के टॉपिक पर बात कर रही थी मैं। राष्ट्रीय शक्ति के तत्व में हमने राष्ट्रीय शक्ति के सबसे पहले गैर मानवीय तत्वों के बारे में पढ़ा है। गैर मानवीय तत्वों में हमने जो तत्व शामिल किए हैं उसमें क्षेत्रफल, जलवायु, स्थलाकृति, अवस्थिति और साथ ही हमने भूगोल का जो घटता हुआ महत्व है उसके बारे में भी हमने बात की है कि जिस प्रकार से संसाधनों की वृद्धि होती जा रही है वैसे वैसे दिन प्रतिदिन भूगोल का महत्व कम होता चला जा रहा है। इतने आविष्कार हो चुके हैं कि अब जैसे जैसे आणविक प्रक्षेपास्त्र, स्वचालित टोरपीडो, पनडुब्बियाँ आदि आ गई हैं तो अब भूगोल का अपना इतना अधिक महत्व नहीं रह गया है कि देश की स्थिति क्या है। देश कहाँ पर भी स्थित हो, संसाधन इतने अधिक विकसित हो चुके हैं कि वहाँ दूसरे देश की सेनाएं पहुँच सकती हैं। इसी में ही जो हमारा अगला हमारा नेक्स्ट जो है वो है प्राकृतिक संसाधन। तो ये जो प्राकृतिक संसाधन है ये भी गैर मानवीय तत्वों का ही दूसरा पार्ट है। जैसे सबसे पहले हमने भूगोल देखा था, भूगोल के बाद सेकंड पार्ट जो है वो है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है। राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधन ही प्रकृति से उपलब्ध उपयोगी सामग्री को कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन का अभिप्राय ये है कि प्रकृति से जो राष्ट्र को प्राप्त हुआ है वह उसके लिए जो भी प्रकृति ने उन्हें दिया है, चाहे वो तेल के कुएं हों, चाहे ईंधन हो, चाहे खनिज संपदा हो, चाहे भूमि हो, चाहे रासायनिक पदार्थ हो, ये सब जो भी प्रकृति द्वारा राष्ट्र को प्रदान किया गया है वह उसकी प्राकृतिक संपदा कहलाती है, जिसमें हम मुख्य रूप से ईंधन, भूमि और भूमि से प्राप्त रासायनिक पदार्थ जैसे कोयला, तेल, वनस्पति आदि को शामिल करते हैं। किसी राष्ट्र को उसे बड़ी शक्ति बनने या बने रहने के लिए यह आवश्यक है कि उसकी प्राकृतिक संपदा, कि उसके प्राकृतिक साधनों का वहाँ उपलब्ध होना बहुत आवश्यक है। प्राकृतिक संसाधन किसी भी राष्ट्र की पूंजी कही जा सकते हैं। ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त उपहार हैं जो राष्ट्र को दिए गए हैं। वनस्पति उत्पादन व जीव जंतुओं को खाद्यान्न के अंतर्गत लिया जाता है। कपास, रबड़, लकड़ी, फल, तेल, हाथीदांत आदि में जो देश आत्मनिर्भर हैं उस देश की आंतरिक सुरक्षा लाभपूर्ण स्थिति में होगी। अमेरिका और रूस को अपनी राष्ट्रीय शक्ति और विदेश नीति के मामले में अपने प्राथमिक लक्ष्यों से अलग नहीं हटना पड़ता क्योंकि वे अन्न के मामले में आत्मनिर्भर हैं। तो सबसे पहली बात कि हर राष्ट्र को अपने अन्न से संबंधी, खाद्यान्न से संबंधी मामलों में आत्मनिर्भर होना चाहिए। भारत आत्मनिर्भर नहीं था तो हरित क्रांति के पश्चात भारत ने आत्मनिर्भर होने की प्रयास किया और आत्मनिर्भर हो भी गया। तो आज भारत अन्न के मामले में आत्मनिर्भर है, तो ऐसी स्थिति में भारत की राष्ट्रीय शक्ति में से वृद्धि हुई है। कच्चे माल का प्रयोग औद्योगिक विकास के लिए होता है। आजकल औद्योगिकरण के बिना राष्ट्रीय शक्ति प्राप्त करना असंभव है। इसका उदाहरण हम ब्रिटेन को ले सकते हैं कि ब्रिटेन बहुत लंबे समय तक औद्योगिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में था और बहुत बड़ा डेवलपमेंट जो था उसके उद्योग धंधों के कारण ही था। औद्योगिकरण तभी हो सकता है जब कच्चा माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। अमेरिका और रूस कच्चे माल के विषय में आत्मनिर्भर हैं लेकिन वे शक्तिशाली राष्ट्र गिने जाते हैं। तो कोई राष्ट्र शक्तिशाली तभी माना जाता है जब वह आत्मनिर्भर हो। राष्ट्रीय शक्ति के मानवीय तत्व, मानवीय तत्वों के अंदर सबसे पहला है जनसंख्या। जनसंख्या पर राष्ट्रीय शक्ति का पर्याप्त निर्भर करती है। इतिहास बताता है कि रोम साम्राज्य की शक्ति का मुख्य कारण वहां की विशाल जनसंख्या ही थी। अरस्तु के अनुसार यूनान के नियमित
पतन का कारण जनसंख्या का कम होना ही था। इसका अभिप्राय यह है कि यदि अन्य सब तत्व समान हो तो अधिक जनसंख्या निर्णायक तत्व हो सकती है। बड़ी आकृति से यह तय नहीं होगा कि राज्य शक्तिशाली बन जाएगा, पर कोई राज्य अपेक्षाकृत बड़ी जनसंख्या के बिना बड़ी शक्ति कभी भी नहीं बन सकता है। बड़ी जनसंख्या सैनिक और आर्थिक दृष्टि से किसी राष्ट्र की शक्ति का विकास कर सकती है। यदि दो राष्ट्रों की वैज्ञानिक प्रगति, तकनीकी विकास, भौगोलिक स्तर व अन्य शक्ति तत्व समान हो तो विशाल जनसंख्या राष्ट्र की शक्ति बढ़ाने में सहायक होगी। स्पष्ट है कि यदि राष्ट्र की जनसंख्या अधिक होगी तो राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने में वह सहायक तभी होगी जब अन्य तत्व समान रूप से सहायक हों। यदि जनसंख्या का ह्रास होना प्रारंभ होगा तो राष्ट्र चिंतित रहेगा, जबकि अन्य राष्ट्र जो प्रतिद्वंद्वी हैं, जिनकी जनसंख्या निरंतर बढ़ रही हो, वो आपके लिए घातक साबित हो सकता है। जनसंख्या के गुणों की दृष्टि से भी कई बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि राज्य की जनसंख्या में वृद्धों की संख्या अधिक हो, युवाओं की संख्या कम हो, वहाँ की आबादी में पुरुष अधिक हो, स्त्रियाँ वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य के स्त्रियों की संख्या कम हो, वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य कैसा है, वहाँ के लोग शिक्षित हैं या निरक्षर हैं, वहाँ की जनसंख्या में अल्पसंख्यकों की संख्या कितनी है, लोग निर्धन हैं या संपन्न हैं, ये सभी चीज़ें राष्ट्रीय शक्ति के तत्व में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। अधिक जनसंख्या भी राष्ट्रीय शक्ति के मार्ग में बाधक बन सकती है। यदि राष्ट्र अधिक जनसंख्या के पोषण में सक्षम नहीं है तो राष्ट्र की समस्याएं बढ़ेंगी। कभी कभी अधिक जनसंख्या बसाने के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता पड़ती है तथा आक्रमण नीति अपनानी पड़ती है। इसका उदाहरण सीधा सीधा हमारे सामने चाइना है, चीन है। चीन की पॉपुलेशन आपको पता ही है, विश्व में सबसे अधिक है। तो अपनी इस पॉपुलेशन को, इस जनसंख्या को बसाने के लिए उन्हें भूमि की आवश्यकता है, इसलिए समय समय पर वो भारत में हस्तक्षेप करता रहता है और इसी तहत उसने तिब्बत को भी हथिया लिया है अपनी इस जनसंख्या को बसाने के लिए। ये हमारे पास प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो आज जो हमने बात करी उसमें हमने राष्ट्रीय शक्ति के जो गैर मानवीय तत्वों में प्राकृतिक संसाधनों की बात की है, उसके बाद मानवीय तत्वों में हमने सबसे पहला तत्व जो है जनसंख्या, उसके बारे में बात की है कि जनसंख्या कैसी होनी चाहिए, जनसंख्या में कितने जो युवाओं की संख्या, वृद्धों की संख्या, स्त्री पुरुषों की संख्या और जनसंख्या शिक्षित हो, ऐसी बहुत सी चीज़ों पर हमने चर्चा की। अंत में हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति के लिए जो भी राष्ट्रीय शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए एक क्वालिटिव जनसंख्या होना बहुत आवश्यक है। यानी जनसंख्या ऐसी होनी चाहिए जिसका पोषण राष्ट्र कर सके, अपनी जनसंख्या को सुव्यवस्थित रूप से बसा सके, उनकी समस्याओं को दूर कर सके, वही राष्ट्रीय शक्ति के रूप में जो है जनसंख्या उसके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। अन्यथा जनसंख्या के पालन पोषण में ही उसका समय व्यतीत हो जाएगा। तो इस प्रकार आज हमने जो टॉपिक पढ़ा, राष्ट्रीय शक्ति के मानवीय तत्व जनसंख्या, आगे अगले व्याख्यान में मैं इसको आगे बढ़ाऊंगी जिसमें हम बात करेंगे तकनीक की। नमस्कार, धन्यवाद।